हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़ाहिरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग इवनिंग स्नैक्स, पिन व्हील समोसा। सो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है बोल। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप ऑफ मैदा, और इसके बाद अंदर जाएगा 1/2 कप ऑफ सूजी। ध्यान रहे आप जितना मैदा यूज कर रहे हैं उसका 1/2 सूजी ऐड करें। और अब मैं ऐड करूंगी रिफाइंड ऑयल करीबन 2-3 टीस्पून, सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड 2 स्पून ऑफ शुगर। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज करेंगे एंड एक डो तैयार कर लेंगे। वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है एंड समोसा के रेंज में ये काफी जल्दी बन जाती है, सो मस्ट ट्राई। आप देख सकते हैं डो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन हम इन्हें कुछ देर और पंच करेंगे टू मेक इट इवन मोर फ्लफी एंड लिटिल बिट टफ। एंड में, जैसा कि आपने मुझे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, मैं डो के ऊपर थोड़ा ऑयल लगाती हूँ, और इसके बाद मैं 30 मिनटों के लिए इसे रेस्ट होने दूंगी। और मैंने इसे एक वेट क्लोथ से अच्छे से कवर कर लिया है। Now let's move on to the stuffing part, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है boiled आलू, और उसके बाद मैंने लिया है chicken का कीमा, ginger garlic paste, fresh coriander leaves, chopped onion, chopped green chilies, refined oil and spices. So सबसे पहले लेंगे pan और add करेंगे refined oil. ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड इन्हें अच्छे से सौते कर लेंगे। नाउ आई विल ऐड चॉप्ड अनियन। मैंने एक बड़े अनियन को चॉप किया है, और इसे भी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ सौते कर लेंगे। आप देख सकते हैं अनियन अभी भी पिंक कलर की है, तो इसी के अंदर हम ऐड करेंगे चिकन मिंस्ड, यानी कि चिकन का कीमा, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चिकन को तब तक स्टर करते जाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं चिकन कीमे का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने डाला है हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन्हें अराउंड 5 मिनट्स तक स्टर करते जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू ऐड वाटर। मैंने करीबन 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है। तो अब हम लिड को कवर करने के बाद इसे 10 मिनटों के लिए कुक होने देंगे एट लो टू मीडियम फ्लेम। सो 10 मिनट हो चुके हैं, और एक बार स्टर करने के बाद हम अगेन 10 मिनटों के लिए इसे कुक होने देंगे ऑन द सेम फ्लेम। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स चिकन कीमा कुछ ऐसा दिखेगा, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू, और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे चिकन कीमे के साथ। आप चाहे तो पहले पोटैटो मैश कर लें और देन कीमे के अंदर डालें, चॉइस इज योर्स। नाउ आई विल ऐड ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, और अब हम 5 मिनटों के लिए लिड को कवर करेंगे ऑन लो फ्लेम, ताकि सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए एक साथ। आप देख सकते हैं इट्स ऑल मॉइस्ट, एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड इट टू बी।
एंड नाउ आई एम मैशिंग द पोटैटोस और ये चिकन कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा एंड इट विल टेस्ट डिलीशियस। आप चाहें तो इस कीमे को डिफरेंट वैरायटी के साथ यूज कर सकते हैं एज इन रोल या फिर आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। इट विल टेस्ट डिलीशियस इन ऑल काइंड ऑफ डिशेस। सो स्टफिंग इज रेडी एंड फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। कीमे को आप अच्छे से प्लेट में फैला कर रखें ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। इसे ठंडा होने में इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स। जब तक हम डो को देख लेते हैं। सो डो के ऊपर से क्लोथ हम हटा लेंगे और एक बार फिर से इन्हें अच्छे से प्रेस करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे ताकि ये और ज्यादा फ्लफी हो सके। आप देख सकते हैं इन्हें मैं कैसे रोल कर रही हूँ ऑन द फ्लोर। एंड नाउ आई हैव मेड इट इनटू अ राउंड शेप। सेम आपको भी इसी तरह का प्रोसेस करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल राउंड हो चुके हैं, बिल्कुल आटे के एक पेड़े जैसा। सो इन्हें मैं साइड से थोड़ा प्रेस करूंगी और फिर इन्हें हम बेल लेंगे इनटू अ बिग राउंड रोटी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा आटा बिल्कुल यूज नहीं किया है इसे बेलने के लिए, क्योंकि मैंने सूजी ऐड किया था इनटू द मैदा और ये आटे को काफी टफ बना देती है, विच इज सूटेबल फॉर दिस रेसिपी। एज यू कैन सी रोटी काफी बड़ी एंड राउंड हो चुकी है। सो इट्स ऑलमोस्ट डन और हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। सो हम रोटी के ऊपर स्टफिंग ऐड कर देंगे। सो स्टफिंग ऐड करते वक्त मैं रोटी के ऊपर इसे प्रेस करती जाऊंगी और इसी तरह हम सारी स्टफिंग ऐड कर देंगे। सो मैं इन्हें अच्छी तरीके से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये बाद में निकले ना फ्रॉम इट्स प्लेस। सो फाइनली आई एम डन विद दिस प्रोसेस। आप भी अच्छे तरीके से इसे फिल अप करें एंड हर एक कोने पे प्रेस करें। इसके ऊपर से हम ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स और इन्हें भी अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे इनटू द स्टफिंग और अब इन्हें हम रोल करेंगे। सो यहाँ से उठाएंगे, टाइट सा रोल करेंगे और इसीलिए हमें अपनी डो को सख्त गूंदना है एज वेल एज स्ट्रेची एंड फ्लेक्सिबल। और अगर हम डो को नरम गूंदेंगे तो वो फट जाएगी और ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो ये रोल हो गए हैं और अब हम इन्हें थोड़ा लंबा कर लेंगे। और अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड के हिस्से को कट कर लिए हैं। किनारों की कटिंग करने के बाद एक एक करके हम सबको कट करते जाएंगे और आप देख सकते हैं दिस इज इन द शेप ऑफ पिन व्हील, बिल्कुल पहिए जैसा। सारे पिन व्हील्स को हमने काट लिए हैं और अब हम इन्हें एक एक करके हटाते जाएंगे एक दूसरे से ताकि ये चिपके ना। आप देख सकते हैं इनकी शेप कितने प्यारे लग रहे हैं, इट्स सो डिफरेंट एंड न्यू। और अब हम इन्हें प्लेट में एक एक करके रखते जाएंगे।
और अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा अराउंड 2 to 3 स्पून और ऐड किया है पानी सो दैट ये पेस्ट बन जाए, अ थिन पेस्ट। और इसके अंदर ये समोसे हम डालते जाएंगे और डिप करने के बाद इसे फ्राई करते जाएंगे इनटू अ हॉट ऑयल। सो हमें इन्हें चारों तरफ से डीप फ्राई करना है एट लो टू मीडियम फ्लेम ताकि ये अंदर तक पक जाए। सो अब हम इनकी साइड्स टर्न करते जाएंगे केयरफुली। किनारों को फ्राई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला इन्हें हम उठाते जाएंगे और एक एक करके फ्राई करते जाएंगे सो दैट कोई भी साइड कच्चा ना रहे और हर साइड अच्छे से डीप फ्राई हो सके। इट विल टेक लिटिल एफर्ट बट ये हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो एक एक करके सभी पिनव्हील समोसे को हम उठाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और आप देख सकते हैं कि इनकी कलर चेंज हो गई है। सो अराउंड 5 to 8 मिनट्स के बाद ये कुछ गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी एंड नाउ इट्स ऑल रेडी। सो हम फ्लेम को कर देंगे बंद और एक एक करके पिन व्हील समोसे को सर्विंग प्लेट में उठाकर रखते जाएंगे। इजंट दिस लुकिंग डिलीशियस एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम। सो लीजिए, तैयार है बहुत ही मजे का एंड फेवरेट इवनिंग स्नैक पिन व्हील समोसे। आप इसे केचप के साथ सर्व करें एंड हमारी आज की रेसिपी जरूर ट्राई करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि कैसी बनी। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है सो लाइक करें और इसे शेयर करें।